नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी की मम्मी की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं पोहा, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। ये कई तरह से बनता भी है। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद तेल गर्म हो गया, अब इसमें मूंगफली को भून लेंगे अपना। और मूंगफली तेज आँच पर नहीं भूनना है, एकदम मीडियम आँच पर भूनना है। मूंगफली हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको छान करके अलग कर लेंगे। उसी तेल में हम एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और चॉप की हुई मिर्ची डालेंगे। और मिर्ची को हम भून लेंगे। अब भूनते हुए इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को भी ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन करना है। और प्याज हमारा भुना रहा है तब तक हम पोहे को धो लेंगे। पानी डाल करके इसको हाथ से मसल करके धो लेंगे और धो करके छान लेंगे इसको। एक पानी छान करके फिर हम दोबारा पानी से धोएंगे। और धो करके इसको छान लेंगे हम। पोहा धुल गया है, इसको साइड में रख देंगे। प्याज हमारा भुना चुका है गोल्डन ब्राउन, अब इसमें टमाटर डालेंगे हम अपना। और टमाटर डालने के बाद अब इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में हम डालेंगे मैगी मसाला, उसके बाद डालेंगे थोड़ी एक आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च, उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी गरम मसाला और उसको मिला लेंगे हम। मिलाते हुए अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। और मिलाने के बाद अब हम इसको ढक करके पकाएंगे। और टमाटर हमारा गल चुका है, अब इसको चलाते हुए दबा दबा के थोड़ा मिला लेंगे हम। अब टमाटर गल चुका है, इसमें अपना पोहा डालेंगे। तो पोहा डाल करके इसको मिला लें। और मसाले हमारा मिल चुका है पोहे। अब इसमें हम अपना धनिया पत्ता थोड़ा मिला लेंगे और धनिया पत्ता मिला करके इसको चला देंगे। अब इसको सर्व करेंगे आपको। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा जरूर। थैंक यू।